नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेविट आर्किटेक्चर ट्यूटोरियल के नेक्स्ट लेसन में। आज की वीडियो में हम जानेंगे हम नंबर ऑफ ब्रिक्स कैसे निकाल सकते हैं, हम कॉस्ट ऑफ ब्रिक्स कैसे निकाल सकते हैं, रेविट आर्किटेक्चर कैसे वॉल शेड्यूलिंग कर सकते हैं। तो आज से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ कॉस्टिंग के ऊपर चैप्टर्स, जिसमें हम कंप्लीट कॉस्टिंग यहाँ पे निकालेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो ये है, मान लो मेरा एक प्रोजेक्ट है, मेरे को इस कंप्लीट प्रोजेक्ट में नंबर ऑफ ब्रिक एंड कॉस्ट ऑफ ब्रिक निकालनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें क्या करना है, हमें जाना है व्यू पे और यहाँ पे है शेड्यूल, शेड्यूल पे क्लिक करें, शेड्यूल एंड क्वांटिटीज पे क्लिक करें। तो आपके पास यहाँ पे शेड्यूल आएगा, आर्किटेक्चुरल शेड्यूल, किसी का भी आप शेड्यूल बना सकते हो। देखो यहाँ पे केस वर्क, सीलिंग, कॉलम, हर एक चीज का शेड्यूल आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप से यहाँ पे बना सकते हैं। तो अभी हम बात करेंगे वॉल शेड्यूल पे, वॉल पे क्लिक करें, वॉल शेड्यूल यहाँ पे नेम आएगा, आप इसे चेंज भी कर सकते हैं, एंड यहाँ से करें ओके। ओके करने के बाद आप शेड्यूल की प्रॉपर्टीज में चले जाएंगे और यहाँ पे सबसे पहले आता है कि फील्ड, कि आपको वॉल के अंदर क्या क्या चीजें चाहिए। तो मैंने बोला कि मेरे को सबसे पहले एरिया आप दे सकते हो, एरिया पे क्लिक करें और यहाँ पे क्लिक करें एड पैरामीटर पे। उसके बाद मैंने किया कि मेरे को वॉल्यूम चाहिए, मेरे को यहाँ पे विड्थ चाहिए और मैंने लेंथ भी यहाँ पे ले लिया कि मेरे को लेंथ भी चाहिए। ओके चलो, अब हमें निकालनी है, अगर मैं सिर्फ इतने को लेके मैं ओके करता हूं तो मेरे पास देखो यहाँ पे एक शेड्यूल आएगा जिसमें आपको यहाँ पे एरिया, वॉल्यूम, विड्थ और लेंथ यहाँ पे नजर आएंगी जो स्क्वेयर फिट में, क्योंकि फिट इंचेस में मैंने काम किया हुआ है। तो अभी हमें निकालना है कि आपको नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालना है। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स के लिए हमें क्या करना है, आप दोबारा फील्ड पे जाएं, यहाँ पे क्लिक करें फील्ड पे, एडिट पे, और यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा एड कैलकुलेटेड पैरामीटर, एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला आप लोग को लगाना पड़ेगा, आप सबसे पहले यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ ब्रिक्स, सबसे पहले आप निकालेंगे नंबर ऑफ ब्रिक्स, उसी के बाद आपका निकलेगा कॉस्ट ऑफ ब्रिक्स। सबसे पहले है नंबर ऑफ ब्रिक्स, नंबर ऑफ ब्रिक्स में आपको लगाना है फॉर्मूलास। अब आपको सबसे मेन पार्ट ये है कि हमें फॉर्मूला लगाना क्या है एक्चुअल में। तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ, समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे एक पीपीटी रेडी की है मैंने इस चीज के लिए। हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ ब्रिक्स एंड कॉस्ट ऑफ ब्रिक्स को, हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि आपका जो ब्रिक का साइज होता है वो कितना होता है। देखो एक ब्रिक का साइज आपका स्टैंडर्ड होता है, ये भी होता है 190 mm, 90 mm एंड 90 mm, जो आपका जो ये पार्ट होते हैं इनका जो हाइट होती है, विड्थ होती है और लेंथ होती है वो इस तरीके से होती है। बट इसमें आपका वेरी भी करता है कि आपका ये साइजेस सेंटीमीटर में 19 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर होता है, और अगर हम बात करें स्टैंडर्ड साइज की तो वो 9 इंचेस बाई 4.5 इंचेस एंड बाई आपका 3 इंचेस, आपका जो स्टैंडर्ड साइज आपकी ब्रिक की होती है। तो इसके लिए मैं इस वाली ब्रिक को यूज कर रहा हूँ जिसका साइज है 190 mm, 90 mm, 90 mm। अब कैलकुलेशन सेम है, सिर्फ क्या होगा ब्रिक का साइज चेंज हो जाएगा उस केस में, और आपकी थोड़ी सी कैलकुलेशन चेंज हो जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे ब्रिक साइज इन mm, 190 mm बाई 190 mm बाई 190 mm, आपका जो ब्रिक का साइज है ये है विदाउट मोर्टार। विदाउट मोर्टार का मतलब है कि विदाउट मोर्टार एज इट इज ब्रिक का ये साइज है, बट अगर हम इस पे मोर्टार लगा देंगे, जो हमें यहाँ पे लिया है हमने मोर्टार 10 mm का, हमने मोर्टार यहाँ पे यूज किया है, तो इसका साइज 10 10 mm तीनों साइड से इंक्रीज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 200 mm इंटू 200 mm इंटू 100 mm विद मोर्टार साइज हो गया। जब हम किसी भी वॉल में ब्रिक्स को यूज करेंगे तो विद मोर्टार ही करते हैं, तो जो हम कैलकुलेट करेंगे हमें सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी विद मोर्टार वाले वॉल्यूम की। अगर मैं वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स निकालता हूँ विदाउट मोर्टार का, तो लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आपका हो जाएगा 15,39,000 क्यूबिक एमएम, ये आपका क्यूबिक एमएम हो गया। और वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स अगर आप निकालोगे विद मोर्टार तो आपका 20 लाख क्यूबिक mm आपका ये हो जाएगा इन mm। अगर मैं बात करूं सेंटीमीटर्स की, बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि mm में ये डायमेंशन है, सेंटीमीटर में किस तरीके से डायमेंशन चेंज होगी। 10 mm में 1 सेंटीमीटर आपका होता है, तो ब्रिक साइज इन सेंटीमीटर जो आपका रहेगा वो आपका रहेगा 19 सेंटीमीटर बाई 9 सेंटीमीटर बाई 9 सेंटीमीटर, जो आपका 10 mm इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर था, तो आपका
जो 190 mm वो 19 सेंटीमीटर हो गया बाई 9 एंड बाई 9, ये विदाउट मोटर है। और अगर इसका वॉल्यूम निकालते हैं तो तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1539 क्यूबिक सेंटीमीटर हो जाएगा। और विद मोर्टार की बात करें तो आपका 1 सेंटीमीटर का आपका मोर्टार लग जाएगा, जो हम यूज करते हैं नॉर्मली, हम 1 सेंटीमीटर करते हैं, इससे कम का हम मोर्टार यूज नहीं करते। तो इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 2000 क्यूबिक सेंटीमीटर। और अगर हम बात करते हैं मीटर की, सबसे ज्यादा हम मीटर को यहाँ पे यूज करते हैं, जितने भी कैलकुलेशंस होती है सब जगह सबसे ज्यादा मीटर को यूज किया जाता है। तो ब्रिक साइज इन मीटर होता है आपका 0.19 mm, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अगर मैं 19 को डिवाइड करूं 100 से तो 0.19 मीटर आ जाएगा, 9 को डिवाइड करूं 100 से तो 0.09 मीटर आ जाएगा, और अगर मैं 9 को डिवाइड करूं तो 0.09 यहाँ पे मीटर आ जाएगा, कुछ इस तरीके से। ये हो गया विदाउट मोर्टार, क्लियर है? लेंथ विड्थ इनटू हाइट, इन तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वॉल्यूम ऑफ ब्रिक आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक विदाउट मोर्टार 0.001539, और वॉल्यूम ऑफ ब्रिक विद मोर्टार जो आएगा तो 0.01 mm मीटर का हम इसमें प्लास्टरिंग जो होती है वो यूज करेंगे, तो आपका आ जाएगा 0.02 क्यूबिक मीटर। सबसे ज्यादा आपको जो ध्यान रखना है वो ये वाली डिजिट आप ध्यान में रख लें, 0.02 क्यूबिक मीटर विद मोर्टार एंड 0.01539 क्यूबिक मीटर विदाउट मोर्टार। ये ब्रिक्स नहीं आएगा यहाँ पे, ब्रिक आएगा क्योंकि हम एक सिंगल ब्रिक की बात कर रहे हैं, क्लियर? अब एक ब्रिक का वॉल्यूम आ गया विदाउट मोर्टार 0.01539, और एक विद मोर्टार आ गया 0.02 क्यूबिक मीटर। अब निकालते हैं नंबर ऑफ ब्रिक्स इन 1 क्यूबिक मीटर। अगर हमारे पास 1 क्यूबिक मीटर का आ जाता है तो हम वॉल का वॉल्यूम निकाल लेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे उतनी ब्रिक से, तो आपका नंबर ऑफ ब्रिक्स निकल आएगा। तो 1 क्यूबिक मीटर के अंदर अगर नंबर ऑफ ब्रिक्स जो हम निकालेंगे तो आएगा वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूबिक मीटर। 1 क्यूबिक का मतलब होता है 1 क्यूब, 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर का, तीनों का वॉल्यूम निकालेंगे तो आपका आएगा 1। और वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक विद मोर्टार आएगा आपका 0.02। हम इसको डिवाइड करेंगे विद मोर्टार से, बिकॉज जो हम वॉल के अंदर ब्रिक यूज करेंगे वो विद मोर्टार करेंगे, क्लियर? तो 1 को डिवाइड करेंगे 0.002 से तो आएगा आपका 500 ब्रिक्स। अगर आप इसे डिवाइड करते तो 500 ब्रिक्स आएगा, तो इसका मतलब 1 क्यूबिक मीटर के अंदर आपका 500 ब्रिक्स यहाँ पे आ जाता है, क्लियर है इतना? बस इसी चीज को हम यहाँ पे यूज करेंगे। आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाओगे, दोबारा मैं बता देता हूँ किस तरीके से। शेड्यूलिंग आपने की थी, दोबारा आप फील्ड पे एडिट पे क्लिक करोगे और यहां से आप FX लिखा हुआ है इस पे फॉर्मूला लगाओगे, यहां पे लिखोगे नंबर ऑफ ब्रिक, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाओगे, वॉल्यूम यहां से आप क्लिक करेंगे और यहां से आप चूज करोगे वॉल्यूम। वॉल्यूम को आप क्या करोगे, वॉल्यूम को आप डिवाइड करोगे 0.002। और देखो अब आपकी जो ये डायमेंशन है ये फिट इंचीज में है, कोई फर्क नहीं पड़ता फिट इंचीज में हो, मिलीमीटर में हो या इंचीज में हो, किसी भी इसमें हो, सिर्फ आपको यहां पे लगा देना है 0.02 मीटर क्यूबिक मीटर। क्यूब के लिए शिफ्ट के साथ आप 6 प्रेस करोगे जो ये वाला साइन होता है, और यहाँ पे लगा दोगे 3, इसका मतलब ये हो गया आपका क्यूबिक मीटर। ये चीज आप बहुत अच्छे से देख ले ध्यान से, ये आपको लगाना है। फिट इंचीज वाला आप यहाँ पे लगा सकते हो, एमएम वाला यहाँ पे लगा सकते हो, जो आपका 2 लाख 20 लाख था, ठीक है, 2000 स्क्वेयर एम मीटर आप कर सकते हो, स्क्वेयर सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर आप यहाँ पे कर सकते हो। नेक्स्ट कैलकुलेशन वो अपने आप ही कर लेगा। अब यहाँ पे करे ओके, ओके करने के बाद देखो यहाँ पे आया नंबर ऑफ ब्रिक्स एंड यहाँ पे ओके करो तो यहाँ पे आपका नंबर ऑफ ब्रिक्स ये काउंट करके दिखा देगा। अब देखो ये पॉइंट के बाद कितने डेसिमल प्लेसेस पे है, तो आप क्या करोगे, इसको क्लिक करो, आप राउंड फिगर में चाहते हो तो क्लिक करने के बाद फॉर्मेट यूनिट पे जाएं, यूज डिफॉल्ट सेटिंग को अनचेक करें और यहाँ पे कर दो फिक्स्ड एंड ओके, तो आपका यहाँ पे डायरेक्टली दिखाएगा 3134, इतनी आपकी ब्रिक लगेगी। जो आपकी वॉल है वो 35 फिट की लेंथ है, 9 इंच की उसकी विड्थ है, और हाइट जो आपने लेवल 1 से लेवल 2 तक ली है वो आपकी वो हाइट है। अगर आप कॉस्ट ऑफ ब्रिक निकालना चाहते हो तो आप दोबारा से फील्ड पे जाओ, एडिट पे क्लिक करो और यहाँ पे क्लिक करो एड कैलकुलेटेड पैरामीटर, और यहां पे लिखो आप कॉस्ट ऑफ ब्रिक।
तो कॉस्ट ऑफ ब्रिक के लिए हमें फॉर्मूला क्या लगाना पड़ेगा? हम नंबर ऑफ ब्रिक को मल्टीप्लाई कर देंगे एक ब्रिक के कॉस्ट से। मान लो एक ब्रिक का कॉस्ट आपका 7 रुपीज है, 8 रुपीज है, वो वेरी करता है आपके एरिया के अकॉर्डिंग। तो आप यहाँ पे ओके करें, आपका कॉस्ट ऑफ ब्रिक आएगा। ओके करें, देखो आपका कॉस्ट ऑफ ब्रिक आ गया। इसे भी आप राउंड फिगर में चाहते हैं तो आप इसे सिलेक्ट करके यूनिट फॉर्मेट पे क्लिक करें और यहाँ पे आप डाल सकते हैं करेंसी, क्योंकि ये करेंसी है। और यूनिट सिंबल आप डाल सकते हो कि यूरो है, डॉलर है, क्या है इसके अंदर। रुपीज का नहीं है अभी, रुपीज के लिए आगे मैं आने वाली वीडियोस में बताऊंगा कैसे आप ऐड कर सकते हो। तो उसके बाद करो ओके, ये आपका कॉस्ट ऑफ ब्रिक आ गया कुछ इस तरीके से। अगर आप टोटल कैलकुलेट करना चाहते हो इसका, तो उसके लिए दोबारा से फील्ड पे जाओ और यहाँ पे आता है शॉर्टिंग एंड ग्रुपिंग, नहीं फिल्टर फॉर्मेटिंग पे जाओ और सबको सिलेक्ट कर लो कि आप सबको टोटल करना चाहते हो या किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हो, किसी एक का टोटल करना चाहते हो। मान लो सिर्फ आप कॉस्ट ऑफ ब्रिक का टोटल करना चाहते हो तो कॉस्ट ऑफ ब्रिक पे यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे क्लिक करके कर दो कैलकुलेट टोटल। एंड फिल्टर शॉर्टिंग पे जाके यहाँ पे है ग्रैंड टोटल, ग्रैंड टोटल पे क्लिक करें और यहाँ पे क्लिक करके आप कर दे टोटल ओनली एंड ओके। तो सिर्फ आपका वो कॉस्ट ऑफ ब्रिक का यहाँ पे टोटल दिखा देगा। सबका चाहते हो टोटल करना, दोबारा से एडिट पे जाओ, यहाँ पे फॉर्मेटिंग पे क्लिक करो, सबको सिलेक्ट करो और यहाँ पे कर दो कैलकुलेट टोटल ओके। तो आपका यहाँ पे टोटल कर देगा, क्लियर है? अगर आप चाहते हो कि वॉल्यूम को भी मैं मीटर में देखना चाहता हूं, तो यहाँ पे क्लिक करें, फॉर्मेट यूनिट पे जाएं, इसको सिलेक्ट करें और यहाँ पे कर दो क्यूबिक मीटर। सिंबल ये आएगा, कितने डेसिमल प्लेसेस तक रखना है वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यहाँ से आप करेंगे ओके तो आपका देखो यहाँ पे क्यूबिक मीटर में आ जाएगा। अगर आप इसको भी यहाँ पे स्क्वेयर फीट में या स्क्वेयर मीटर में देखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी सिलेक्ट करें, फॉर्मेट यूनिट पे जाएं, अनचेक करें और यहाँ पे कर दे आपका स्क्वेयर फीट, या फिर स्क्वेयर मीटर में देखना चाहते हैं स्क्वेयर मीटर ओके, तो आपका एरिया भी स्क्वेयर मीटर में आएगा। तो किसी भी चीज को आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। अगर लेंथ को भी देखना चाहते हैं, लेंथ को सिलेक्ट करें, यहां से आप इसे कर दें मीटर, और कितने डेसिमल प्लेसेस तक आपको चाहिए वो आप राउंड फिगर के लिए कर सकते हैं, सिंबल भी लगा सकते हैं आगे मीटर का ओके करें। तो यहाँ पे आपका आएगा कितने मीटर की आपकी वॉल है और कंप्लीट वो कैलकुलेट करेगा, क्लियर है? उसके बाद और क्या चीजें कर सकते हो? मान लो आप चाहते हो कि मेरे को सबसे पहले लेंथ चाहिए यहाँ पे कॉलम में, फिर विड्थ चाहिए, फिर एरिया, फिर वॉल्यूम। तो उसके लिए आप फील्ड एडिट पे जाओ और विड्थ को आप यहाँ से अप कर सकते हो, यहाँ से लेंथ को फिर यहाँ से अप कर सकते हो, एरिया, वॉल्यूम, नंबर ऑफ ब्रिक, कॉस्ट ऑफ ब्रिक को अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हो। उसके बाद फिल्टर से आप क्या कर सकते हो? आप फिल्टर कर सकते हो। फिल्टर मतलब अगर आप इस पे क्लिक करोगे कि आप चाहते हो कि सिर्फ विड्थ, जिसकी विड्थ 2 इंचीज हो वॉल की, सिर्फ मेरे को वो दिखाई दे, तो यहाँ पे आप विड्थ पे क्लिक करो, इक्वल्स टू 2 इंचीज, आप 2 इंचीज डाल दो एंड कर दो ओके। सिर्फ आपको वो वाली वॉल्स नजर आएगी जिसकी विड्थ 2 इंचीज है, तो आप ऐसे फिल्टर कर सकते हैं। दोबारा फिल्टर पे क्लिक करें, आप सेकंड फिल्टर लगा सकते हो कि सेकंड फिल्टर में मेरे को चाहिए कि जिसकी विड्थ 9 इंचीज है, तो आप यहाँ पे 9 इंचीज लगा सकते हो। यहाँ से आप यूज भी कर सकते हो डज नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ये आप अपना अपने तरीके से यहाँ पे देख सकते हो। अगर मैं यहाँ पे दोबारा से एडिट करता हूँ, अच्छा ये मैंने इसको भी शॉर्टिंग किया, इसको मैं नन ही करता हूँ, तो आप ऐसे यहाँ पे फिल्टर कर सकते हो और इसको मैं यहाँ पे नन कर देता हूँ। ये तो होता है फिल्टर। अगर मैं शॉर्टिंग करता हूँ कि सबसे पहले मेरे को क्या चाहिए, किसके अकॉर्डिंग मेरे को शॉर्ट आउट करना है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे, मेरे को विड्थ के अकॉर्डिंग है, लेंथ के अकॉर्डिंग है, मेरे को एरिया के अकॉर्डिंग शॉर्टिंग करना है, असेंडिंग ऑर्डर में करना है और ओके करेंगे तो वो देखो एरिया के अकॉर्डिंग आपका शॉर्टिंग करेगा, 0, 1, 5, 6, 8, 10, तो इसके अकॉर्डिंग शॉर्ट करेगा जो सबसे कम होगा। डिसेंडिंग ऑर्डर में भी आप इसको यूज कर सकते हो। उसके बाद आप चाहते हो डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा, सबसे बड़ा फिर छोटा। उसके बाद अगर आप चाहते हो इसको कि नहीं मेरे को हेडर चाहिए, ओके करो तो वो हेडर में दिखाएगा कि 20 मीटर, 19 मीटर वाली, 18 मीटर वाली, 10 मीटर क्यूब वाली, तो इस तरीके से आपकी शॉर्टिंग करेगा वो, ठीक है? अगर आप यहाँ पे फूटर भी चाहते हो, फूटर में टोटल चाहते हो, तो ओके करो तो जहां पे इक्वल होगा उसको नीचे यहाँ पे टोटल भी दिखाएगा और लास्ट में फिर ग्रैंड टोटल भी आपको दिखाएगा। तो ऐसे आप अपनी चीज को शॉर्टिंग कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। अभी मैं इसको नन करता हूँ और उसके बाद फॉर्मेटिंग है। फॉर्मेटिंग में आप चाहते हो कि ये लेफ्ट लाइन आ रहा है, मैं सारी चीजों को सेंटर लाइन चाहता हूँ, तो आप इसको क्लिक करके सेंटर लाइन कर सकते हैं ओके, तो सारी चीजें आपकी सेंटर लाइन आ जाएंगी।
तो ऐसे करके आप अपने नंबर ऑफ कॉस्ट ब्रिक और कॉस्ट ऑफ ब्रिक्स यहाँ पे कंप्लीट वॉल्स की निकाल सकते हो। तो इसी एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक और चीज क्या है कि मान लो मैंने इस वॉल को सिलेक्ट किया और मैं देखना चाहता हूँ मॉडल में कि कौन सी वॉल है, और मैंने यहाँ पे हाईलाइटेड मॉडल किया तो मेरे को यहाँ पे दिखा कि मेरी ये वाली वॉल है। इसको मैंने क्लोज किया तो ये वाली वॉल है मेरी, ये वाली, ठीक है। अब इस वाली वॉल में नंबर ऑफ ब्रिक्स जो इसने दिखाया, वो इसने इस विंडो और डोर वाले एरिया को एक्सक्लूड किया है, इसको कंबाइन नहीं किया, इसको कटिंग करके दिखाया है। अब मान लो अगर मैं यहाँ पे देखूं वॉल शेड्यूल में, तो नंबर ऑफ ब्रिक है 3134, ठीक है। अगर मैं अब एक डोर को यहाँ पे विंडो को डिलीट कर देता हूँ, मान लो मैंने एक विंडो को सिलेक्ट किया और यहाँ पे डिलीट कर दिया, अब आप जाके देखो आपके नंबर ऑफ ब्रिक्स यहाँ पे इंक्रीज हो जाएंगे, 3303 हो जाएंगे। तो स्मार्टली प्ले करता है रेविट आर्किटेक्चर, किसी भी पार्ट को अगर आप डिलीट करते हो तो उसी के अकॉर्डिंग आपके नंबर ऑफ ब्रिक्स को भी यहां से इंक्रीज कर देगा। आपको बार बार कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, बार बार कोई सेटिंग छेड़ने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली अपने यहाँ पे वर्क कर सकते हो। तो जो भी कटिंग आएगी उस कटिंग को एक्सक्लूड करके वो वहां पे आपके नंबर ऑफ ब्रिक्स वगैरह और कॉस्टिंग ऑफ ब्रिक को यहाँ पे दिखाएगा। तो ऐसे करके आप नंबर ऑफ ब्रिक और कॉस्ट ऑफ ब्रिक निकाल सकते हो। ये आपकी पीपीटी है, ये आप अपने अकॉर्डिंग भी रेडी कर सकते हो। और आगे चल के अब इसमें बताऊंगा कि कॉस्ट ऑफ सीमेंट, कॉस्ट ऑफ सैंड आप कैसे निकाल सकते हो, और आप यहाँ पे जो भी रेशियो रहता है उसके अकॉर्डिंग कैसे आप इसको निकाल सकते हो। तो आगे आने वाली वीडियोस भी आप देखते रहें और इसको जितना हो सके शेयर आप कर सकते हैं अपने दोस्तों में, क्योंकि इन कैलकुलेशन में बहुत बंदे फंसते हैं। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, अगर आपने देखा होगा ध्यान से, तो आप कभी इस चीज में नहीं फंसोगे कि नंबर ऑफ ब्रिक्स कैसे आप निकाल सकते हो। सिर्फ डिपेंड करता है साइज पे, जो भी साइज आप ले रहे हो उसी पे डिपेंड करता है। सिर्फ उसका वॉल्यूम निकालना और उसी के अकॉर्डिंग आपको वहां पे पुट कर देना है, सिंपल इतना सा काम करना है। एक ही वो अगर आप यूनिट के साथ चलते हो तो आपको कभी भी किसी भी चीज में कभी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने नंबर ऑफ ब्रिक्स एंड कॉस्टिंग ऑफ ब्रिक आपको बताया। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों को शेयर करें, और जो जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे को सपोर्ट मिलेगी और मेरे को और अच्छा लगेगा इन वीडियोज को जल्दी जल्दी बनाने में। सो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।